हेलो बच्चों, आप सबका BIS की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 के हमने चार चैप्टर कर लिए थे। पांचवा चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म और मैटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट दो मैग्नेट के बीच में अगर आप अट्रैक्शन या वो प्रॉपर्टी जिससे मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको मैग्नेट दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के, बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, नीडल, है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जिससे जिससे उन मटेरियल को अट्रैक्ट किया जाता है बाय द मैग्नेट, वो कहलाता है मैग्नेटिज्म। आगे देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक आपका है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, अभी अभी आपने ये डायग्राम के अंदर देखा कि ये एक बार के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। तो इसमें क्या है, देखिए बार मैग्नेट एक ये रेक्टेंगुलर पीस होता है। पीस किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में, और रेक्टेंगुलर में भी एक बार के फॉर्म में है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बार मैग्नेट। मेटल का बना होता है, मेटल और अलॉय से मिलकर बना होता है। आयरन, स्टील, एनी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर इन शेप है, और मैग्नेट, तो मैग्नेट के कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे। पहला पोल होगा नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होगा साउथ पोल। इसके अंदर इसकी इफेक्टिव लेंथ के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है इसकी, वो कितनी होती है? 12 होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैग्नेट हैज टू पोल, कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मैग्नेट है, अगर सपोज यहां पर एक कोई मैग्नेट है जिसके दो पोल है N एंड S, अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी मानू, अगर मैं 12 मानू, और इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूं, तो बनने वाले जो न्यू मैग्नेट हैं उसके अंदर भी दोनों पोल N S मौजूद रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी हमेशा जो पोल्स होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। हेंस बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। डायपोल का मतलब है कि दोनों किसी भी मैग्नेट के अंदर या किसी मैग्नेट के अंदर अगर आपके दो पोल हैं, तो एक का नेचर और दूसरे का नेचर अलग अलग है। यानी कहने का मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन नेचर इज नॉन एज द मैग्नेटिक डायपोल। ये आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक में डायपोल के बारे में, और वहां क्या बताया था कि टू चार्जेज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, प्लस एंड माइनस, सेपरेटेड बाय लिटिल डिस्टेंस टू इट, इज नॉन एज द डायपोल। तो वहां पर आपके क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल था, और मैग्नेट के कारण जो डायपोल बन रहा है उसको क्या नाम दिया है? मैग्नेटिक डायपोल। सेम फिनोमिना है, वहां प्लस था, माइनस था, या नॉर्थ है, साउथ है। वहां पर 2L डिस्टेंस से आपके क्या था? सेपरेटेड था। यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ 2L है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक आपके डायपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल है। तो ये बार मैग्नेट का इंट्रोडक्शन है। आगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए बार मैग्नेट को अगर आप धागे से बांध कर लटका देते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ठहर जाता है। तो जो एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ में ठहरता है उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, और जो साउथ में दूसरा जो पोल होगा वो ऑटोमेटिकली साउथ का हो जाएगा। सिमिलरली आप सबको पता है कि ऑपोजिट पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल क्या करेंगे? ये बेसिक फिनोमिना है आपका मैग्नेट का। आगे और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि हमेशा जो बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, उससे जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलता है ना, तो वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है? अगर ये एक दूसरे को काट लेगी तो कटान बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, दो आपके टेंजेंट ड्रॉन हो सकती है, और कभी भी लाइंस ऑफ फ्लक्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो उसकी दो टेंजेंट हो जाएगी, और दो टेंजेंट होने पर उसकी क्या हो जाएगी? दो डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन हमेशा इसकी कितनी डायरेक्शन होती है? एक ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि दोनों पोल हैव द सेम स्ट्रेंथ। अभी अभी आपको बताया था सेम स्ट्रेंथ बट ऑपोजिट इन नेचर। दोनों में स्ट्रेंथ, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात किया था कि वहां दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, प्लस क्यू
इधर भी क्यू था और माइनस वाले में भी मैग्नीट्यूड क्यू था, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग था, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी प्लस एम होगी, और दूसरे वाले में अगर ये बाहर मैग्नेट है तो ये प्लस होगी, ये भी एम होगा लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो जो आपके पोल्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलेंगे, पोल स्ट्रेंथ। और इसकी जो SI यूनिट है ये एग्जाम में पूछी जाती है, एम्पियर इंटू मीटर। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ इफेक्टिव लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, दैट विल द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ दैट इज 2L एंड द पोल स्ट्रेंथ M, इनका प्रोडक्ट होता है। अब अभी अभी आपने देखा कि जो M है, M की यूनिट क्या पड़ी अभी अभी, A इंटू M, एम्पियर इंटू मीटर, और यहां पर लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर। तो दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यूनिट क्या देखने को मिलेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछी जाती है यूनिट एग्जाम में आपके, और एम्पियर इंटू मीटर भी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन द मैग्नेटिक, जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था है ना, और जो इलेक्ट्रिक वाला है उसके अंदर भी आपने कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर क्या था, दो चार्जेस का प्रोडक्ट था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो वहां पर जो रूल लग रहा है वही कूलम्स का फोर्स इधर लग रहा है, वहां पर आपके चार्जेस था और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो कोई भी हमने मैग्नेट ले लिए और उसकी उन दोनों मैग्नेट को कर दिया डिस्टेंस आर पर, तो हमने कूलम का रूल लगाना, इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किसके बराबर होगा, दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों की इफेक्टिव लेंथ बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी आपका फॉर्मूला बन गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ही आपने हटाया तो एक के आ गया, के कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो की जो वैल्यू है 4 पाई इंटू 10^-7 Tm पर एम्पियर, परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड जो आपके पोल्स में से निकलता है, जो दिखता नहीं है लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके बीच में रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो आप वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके अंदर किसी आप पार्टिकल को रखेंगे और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसका पर्टिकुलर फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, वो रीजन है वेयर अ मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। जिसको भी आप रखेंगे, जिस भी पार्टिकल को रखेंगे, वो एक फोर्स अनुभव करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इसी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज सेम एवरीवेयर एवरी पॉइंट। यूनिफॉर्म के अंदर सभी जगह किसी भी पॉइंट पर फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेम अनुभव कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या करेगा कि सेम एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम करेगा। यहां पर देखिए, जो अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इक्विडिस्टेंट डॉट, अगर डॉट को आप बराबर पोजिशन पर लगाते हैं तो इनके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इक्विडिस्टेंस क्रॉस लगा देते हैं तब भी क्या लगेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, पैरेलल लाइंस लगा देंगे तब भी किसका तरीका है, पैरेलल लाइंस लगा किसका तरीका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी अभी बताया मैंने आपको कि जहां पर कहीं पर तो पोल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है और कहीं पर मिनिमम होती है। तो पोल की स्ट्रेंथ पोल पर मैक्सिमम होती है और उन दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट पर क्या होती है, मिनिमम होती है। यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द मैग्नेट इज नॉन एज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको जनरली ध्यान रखिएगा कि सोलेनॉइड जो बनता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब ये कुछ टर्म मैग्नेटिक मैटर से रिलेटेड है, इनको डेफिनेशन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, तो ये डेफिनेशन एज इट इज पूछी जाती है। तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मेटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू इट, के किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे मैग्नेटिक लाइंस उससे पास हो सके
इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बी अपॉन एच। बी क्या है आपका? मैग्नेटिक इंडक्शन। एसआई यूनिट वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। सीजीएस के अंदर इसकी क्या होती है? गाउस, और गाउस 10^-4 टेस्ला। एच आपका क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। नेक्स्ट टर्म आपकी है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? अप टू विच फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल। किसी मटेरियल को अगर मैग्नेट में रख दो तो वो किस डिग्री तक उसको मैग्नेटाइज कर सकता है? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एच दैट विल इक्वल टू बी अपॉन म्यू। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, म्यू बराबर बी बाय एच, और एच के बारे में पूछ रहा है तो बी बाय म्यू। इसका आपको ध्यान रखना है कि किसी मटेरियल को कोई मैग्नेटिक फील्ड कितना, किस डिग्री तक क्या कर सकता है? मैग्नेटाइज कर सकता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज कैपिटल आई से डिनोट होता है। क्या है ये? द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल आई दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन वी दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन ए। वी आपका वॉल्यूम एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, म्यू जीरो एच प्लस आई। आई आपका इंटेंसिटी हो गया, एच आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड फोर्स। आगे बढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड में। नेक्स्ट आपकी जो टर्म है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको जनरली क्या पढ़ते हैं? काई, काई पढ़ते हैं। काई क्या है? द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल आई इंड्यूज इन द मेटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल एच इज कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी जो काई है वो एम अपॉन एच का रेशियो है। ये आपका रिलेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, म्यू बराबर म्यू जीरो वन प्लस काई एम। इस पर और प्रीवियस इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फाई बराबर बी है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपको पता है कि फाई से डिनोट होता है, और फाई बराबर क्या होता है? बी है। ए आपका सरफेस एरिया है और बी आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? बी डी एस का टोटल कर देंगे तो सम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी ओवर ऑल एरिया एलिमेंट। जितने भी एरिया एलिमेंट है उन सब से पास होने वाली लाइनों का जो है उन फ्लक्स को अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट आपको पता है क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या है? गाउस लॉ के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उन सब का टोटल कितना रहता है? जीरो रहता है। गाउस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में इनका टोटल क्या है? जीरो होता है। रीजन क्या है? रीजन इज ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस एंटर इनटू इट फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। एक क्लोज लूप बना देता है। इस वजह से क्या है कि आपका टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए तीन तरीके के मटेरियल पढ़ेंगे, एक हो गया आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा आपका हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए सबसे पहले डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल्स डोंट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वो मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस प्रोपोर्शनल एंड ऑपोजिट डायपोल मोमेंट इन ईच एटम सो दे आर मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू इट। फील्ड इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय पुशिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिनका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट नहीं होता है। मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड एंड रिपेल बाय द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर ये क्या हो जाते हैं? रिपेल हो जाते हैं। तो ऐसा जो होगा वो होगा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको, जैसे बोरॉन, कॉपर, पीबी, एसआई, एन, एसटीपी, वाटर, है ना। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि म्यू हमेशा लेस होता है कंपेयर टू द म्यू जीरो, और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू जीरो, लाई बिटवीन जीरो एंड वन।
ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, 0 से -1 के बीच में होती है। सुपर कंडक्टर शो परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, मेसनर इफेक्ट, दे एक्सपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन।